लीजिए बबीता जी, हमारा फूल लेकर के हमारे प्यार को स्वीकार कीजिए। क्या जेठा जी, आपको पता है ना कि मैं अय्यर की बीबी हूँ। अय्यर जी को पता चल जाएगा कि मैं आपका प्यार स्वीकार की हूँ तो अय्यर हमको तलाक दे देंगे और गोकुल धाम से बाहर निकाल देंगे। हाँ बबीता जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप जानती हैं ना कि अय्यर आपके लायक नहीं है। अय्यर अगर आपको गोकुल धाम से निकाल देगा तो कोई परेशानी नहीं है, हम आपको गोकुल धाम में रख लेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, बस आप हमारे प्यार को स्वीकार कर लीजिए, अय्यर कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है जेठा जी, आप इतना जिद कर रहे हैं, आप हमारी जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो लाइए मैं आपका प्यार स्वीकार कर लेती हूँ, लेकिन अगर कोई दिक्कत होगा तो जरूर हमको बचाइएगा। अरे अरे का रे जेठा, तू पगला गई ले का? तू फूल दे करके हमारी औरत के हमसे छीने के चाहत हुए का? रुक तो अभी तोर पेंटवा खोल करके तो के लंगा कर देते, सब तोर प्यार कर निकल जाये। अरे अरे अय्यर भाई, आप क्या कर रहे हैं? हमारा पैंट खोल कर लंगा मत करिए, हम बबीता जी को नहीं पटा रहे थे। बबीता जी हमको मार्केट से फूल मंगवाई थी, वही मैं फूल दे रहा था, हमको माफ कर दीजिए, हमको छोड़ दीजिए।